चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज 14th of October है, 14 अक्टूबर 16:55 शाम को 4:55 का टाइम हुआ है। मैं आपको महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं रूस यूक्रेन के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई बर्निंग टॉपिक है इस समय तो वही है। जो बर्निंग टॉपिक होता है उस पर ही मैं कोशिश करता हूं कि आपको लेटेस्ट देने की कोशिश करूं, तो आज उसी पर मैं वीडियो दे रहा हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिए कि मैंने आपको पहले जो बताया था आज तक कितना पूरा हुआ और आगे क्या परिस्थितियां बन रही हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। तो क्या है रसा यूक्रेन वॉर एट क्रिटिकल जंक्चर। क्रिटिकल जंक्चर का मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, बहुत ज्यादा सोचनीय होती है, बहुत जिसको आप कह सकते हो एक तरह से कि जहां आपको मालूम है ना क्रिटिकल क्या है, आईसीयू क्रिटिकल यूनिट, सीसीयू जब स्थितियां हाथ से बाहर निकलती हुई होती है उसको क्रिटिकल कहते हैं। तो क्रिटिकल जंक्चर पर इस समय वो युद्ध पहुंच चुका है, ऐसे मोड़ पर जो बहुत ही खतरनाक है। अब क्या परिस्थितियां, मैंने आपको एक वीडियो दिया था 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर, आज 14th है, 14 दिन हुए हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, उसमें मैंने आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताया था, उसका मैं आपको पहले छोटा सा क्लिप सुनाऊंगा और क्लिप सुनने के बाद अपने आप ही आप सरप्राइज्ड होंगे कि मैंने जो 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 क्रम से बताया था वो घटित हो चुका आज तक की डेट में। इसका मतलब है कि वो सब घटनाएं घटित हो गई। अब आगे की परिस्थितियां क्या होने वाली है, मैं आपको एक तरह से युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा हूं। कई हजार किलोमीटर दूर बैठ के युद्ध कहां हो रहा है और मैं आपको यहां से बता रहा हूं कि आगे क्या परिस्थितियां होंगी, आगे क्या घटनाक्रम घटित होगा, क्या घटित हो सकता है, क्या इस तरह का कैलकुलेशन है हमारा। तो पहले मैं आपको वो क्लिप थोड़ा सा सुनाऊंगा और फिर मैं आगे की परिस्थितियां आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को पुश कर दीजिए जिससे कि जैसे ही यहां से कोई हमारा वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसे देख पाए। और साथ ही साथ अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और जुड़े रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु से, क्योंकि यहां पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं सबसे पहले दुनिया में घटित होने वाले घटनाक्रम का विवेचन देने का एक प्रयास करता हूं। तो चलिए क्या है, सबसे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो मैंने दिया था वो क्या था। जस्ट ये क्लिप सुनिए। वो नंबर वन, एक यूएनओ का कोई अधिवेशन बुलाया जा सकता है, अब सत्ता है बोल रहा हूं बुलाया जाएगा, ध्यान से सुनिए, बनाते चले जाओ अपने हिसाब से सत्ता या जाएगा जैसा चाहो। मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, यूएनओ का एक अर्जेंट सेशन बुलाया जा सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल का हो सकता है, असेंबली का हो सकता है, और उसमें ये चर्चा की जाएगी कि जो कुछ रूस ने किया है ये यूएनओ के चार्टर के अगेंस्ट है। यस, और जितने भी देश हैं उसके मेंबर उनसे एक तरह का कंसेंट किया जाएगा कि ये रूस का गलत कृत्य था। 1 अक्टूबर का वीडियो, एक तरह से रूस को दुनिया से आइसोलेट करने के लिए किया जाएगा ये। इस तरह का अधिवेशन बहुत जल्दी हो सकता है 7 तारीख से पहले बुलाया जाए। ये भी हो सकता है कि ये कोई आपका जो नेटो कंट्रीज है, G20 है, G7 है, इनके अलग अलग कुछ अधिवेशन अलग अलग बुलाए, सबके बुलाए जा चुके हैं। इसका मतलब दुनिया का मत, दुनिया के देशों का मत रूस के अगेंस्ट करने का प्रयास किया जाएगा और ये एक गारंटी की जाएगी कि ये देश आगे रूस का साथ नहीं देगा। एक बार जिसने कह दिया रूस ने ये गलत किया और हम
उसके अगेंस्ट एक्शन की संस्तुति करते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो दोबारा से रूस के साथ खड़े होने में उसको मॉरली बहुत मुश्किल होगी। यस, तो ये काम पहला होगा कि अलग अलग लेवल्स पे रूस को और ज्यादा आइसोलेट करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें यूएनओ की मीटिंग है, G20 की मीटिंग है, G7 की मीटिंग है, नेटो कंट्रीज की मीटिंग है, जितने और ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मीटिंग्स। ओके, पॉइंट नंबर टू, रूस के अगेंस्ट और स्ट्रिक्ट क्या लगेंगे सैंक्शंस, कहते हो कि उसके व्यापार को और तरह की गतिविधियां हैं उस पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे दुनिया के विभिन्न देशों के द्वारा, जिसमें अमेरिका खास है और साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज, हालांकि ये लगा चुके हैं, और ज्यादा स्ट्रिक्ट लगाए जाएंगे और ज्यादा उसको कड़ा संदेश देने के लिए। नंबर थ्री, यूक्रेन को और ज्यादा सैनिक मदद दी जाएगी, हथियारों की मदद दी जाएगी, धन की मदद दी जाएगी, ये देश चंदा करेंगे आपस में और यूक्रेन को और ज्यादा आर्थिक सहायता पहुंचाएंगे और उसको अलग अलग तरह के हथियार देंगे, युद्ध खत्म नहीं करने देंगे और युद्ध इसको भीषण बनाने का प्रयास करेंगे। रूस को इस बार ये बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं, मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका हूं, अगर युद्ध रुक गया तो रूस बर्बाद नहीं होगा, तो रूस को अलग थलग नहीं किया जा सकेगा, इसकी कॉस्ट पे चाहे कितनी भी दुनिया में बर्बादी हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन रूस को इस बार देखना है, ये इनका पूरी तरह से एक विचार है और इसको कई कंट्रीज ने मिलकर तैयार किया है। तो पॉइंट नंबर थ्री सैंक्शंस, पॉइंट नंबर जिसमें ये भी था कि यूक्रेन को कई तरह से सहायता की जाएगी, चाहे वो धन की हो, चाहे हथियारों की हो, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दिए जाएंगे और साथ ही साथ विदेशी के भाड़े के या फिर कुछ देशों के सैनिक भी वहां भेजे जाएंगे। Yes. अब सैनिक सहायता मिलनी भी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिए, रूस को भड़काने का हर प्रयास किया जाएगा। पॉइंट नंबर, चलिए इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, ये 1 अक्टूबर का वीडियो है, मैंने क्या क्या बताया सब कुछ कथित हो चुका है। पहला पॉइंट बताया था यूएनओ, नाटो, यूरोपियन कंट्रीज से जो भी है उनके सबके मीटिंग्स बुलाए जाएंगे और रूस के खिलाफ एक बड़ा एक समर्थन दुनिया के देशों से इकट्ठा करने का प्रयास किया जाएगा। हो गया, पूरा हो गया। आज तक की डेट में देख लीजिए, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनका अधिवेशन कल हुआ है, आज ही उसकी रिपोर्ट आई है और उन्होंने थ्रेट किया है रूस को, यूएनओ का हो चुका है, इसी तरह G7 का भी हो चुका है। इसका मतलब ऑलमोस्ट सभी की एक बहुत ही एक जिसको सेंसिटिव कहते हो वो मीटिंग्स का दौर खत्म हो चुका है। अगला क्या बताया कि यूक्रेन को और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दिए जाएंगे। आप देख लीजिए दुनिया के विभिन्न देशों ने जिसमें यूरोप और अमेरिका शामिल है यूक्रेन के लिए कई तरह की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें पोलैंड है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें यूके है, ये सभी अपने अपने हथियार वहां पर भेज रहे हैं और उसको आर्थिक रूप से सहायता दे रहे हैं। यही पॉइंट नंबर टू था। अगला पॉइंट क्या होगा कि उसके अगेंस्ट और सैंक्शंस लगाए जाएंगे, लग रहे हैं लगातार और सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं और कठिन सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। अगला पॉइंट, कुछ विदेशी भाड़े के सैनिक या फिर उन देशों के सैनिक अब यूक्रेन में धीरे धीरे प्रविष्टि लेंगे और वहां पर कोई सैनिक की कमी ना हो जाए, सैनिकों की कमी ना हो जाए, यह भी ध्यान रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये और भी इसमें पॉइंट्स होंगे, आप इनको देख सकते हो, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा जो आज 14 तारीख तक पूरा नहीं हो गया, सब कुछ हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे की परिस्थितियां ध्यान रखिए। 14 अक्टूबर मैंने बताया है आपको, लगातार अब ये युद्ध जो है वो गंभीर परिस्थितियों में, 222 दिन हो चुके हैं, उसके बाद आपने देखा होगा 222, उसके बाद देखिए आप युद्ध कैसा जबरदस्त विकराल बढ़ता चला जा रहा है और रोज एटॉमिक वेपन्स की एक थ्रेट दी जा रही है, कभी अमेरिका देता है, कभी रूस देता है, कभी आज यूरोपियन कंट्रीज ने दी है कि हम क्या करेंगे हम बता नहीं सकते, अगर एक बार वो कर दिया गया तो लाइक दैट, हर तरह की थ्रेट्स दुनिया के अलग अलग कोनों से आ रही। तो क्या होगा, रूस को वापस नहीं होने दे रही है किसी भी हालत में, नेगोशिएटिंग टेबल कोई है नहीं,
जो क्षेत्र हैं उन पर वो लगातार यूक्रेन हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो रूस क्या करेगा? रूस कुछ नहीं करेगा, रूस वेट कर रहा है और देख रहा है कि ये लोग दे रहे हैं लगातार, तो वही करेगा जो हमने एक वीडियो में बताया था कि एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन रूस कहेगा बस बहुत हो गया, हमारे सभी हथियार अपनी जगह पर ऑपरेटिव हैं और अगर आपने कुछ भी ऐसा किया दुस्साहस तो हम दुनिया को बर्बाद कर देंगे, खासकर उन देशों को जो हमारे विरुद्ध लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, हम डायरेक्ट हमला करेंगे। इस तरह की परिस्थितियां होने वाली हैं। और जो मैंने एक महत्वपूर्ण आपको द्वीप बताया था, मैंने बताया था कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों पर आक्रमण, तो ये परिस्थितियां भी आपको यहां पर दिखाई देंगी कि किसी द्वीप पर आक्रमण किया जा रहा है जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, वहां पर आक्रमण होगा और वहीं से ये युद्ध एकदम बुरी तरह से, जिसको कहते हो, एकदम इग्नाइट हो जाएगा, उसमें अग्नि लग जाएगी। तो ये परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, युद्ध रुकने की कोई भी परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है, युद्ध बढ़ने की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। और ये चूंकि ये 200 का अंक चल रहा है, आपको मालूम है 299 तक ये अंक चलेगा, क्योंकि 200 दिन से ऊपर हो चुके हैं, 222 दिन भी हो चुके हैं, आपको पता है। तो तब तक इस युद्ध में बहुत कुछ ऐसा होना है जिसको कई लोगों ने तो अभी तक एंटीसिपेट कर लिया होगा, लेकिन कई लोग अभी भी उसको मजाक समझ रहे होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी कहते हैं नहीं, मैं नहीं समझता हूं ऐसा होगा, अपने को डिफेंस एक्सपर्ट का नाम देते हैं, अपने को बहुत बड़ा इंटरनेशनल पॉलिसीज का एक ज्ञानी बताते हैं, लेकिन जब उनके अगर आप विवेचन सुनोगे तो आज कुछ बोलेंगे, 3 दिन बाद कुछ और बोलेंगे, ये सबका हाल है, आप देख सकते हो सबके, आप पिछले 6 महीने के चैनल सुनो जरा, उनके पिछले 6 महीने के स्टेटमेंट सुनो, मुझे नहीं लगता है युद्ध होगा, मुझे नहीं लगता है ये युद्ध आगे जाएगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट इंटरनेशनल पॉलिसीज के, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स या बड़े बड़े और जो जाने माने अपने को धुरंधर बताते हैं वो, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ, सब कुछ उलट हुआ, किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि ये परिस्थितियां आ जाएगी। यस, मैंने अवश्य बोला था, मैंने अवश्य बोला था, यस ऐसा होगा होगा होगा, 2019 से बोला था, बार बार बोला था, कभी रिवर्स नहीं हुआ था मैं अपनी बात से। ध्यान रखिए, चाइना और ताइवान, चाइना बहुत ही शयाना है, परिस्थितियों को भांप रहा है वो, और जिस समय उसको सूटेबल परिस्थितियां लगेंगी वो इमीडिएटली चौंका देगा दुनिया को। ध्यान रखिए, वो बहुत सयाना है, वो देख रहा है कि जब पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट एक तरफ हो जाए, एंगेजमेंट एक तरफ हो जाए शक्तियों का, अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज का, जब रूस की तरफ हो जाए, उसके बाद वो कोई ऐसा काम करेगा कि जो चौंका देगा दुनिया को। तो ये परिस्थितियां निरंतर बनी हुई हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें बताऊंगा मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं, और वो ये है, पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, उत्तर कोरिया बिल्कुल तबाह कर दिया जाएगा। एक दिन आप सुनेंगे कि उत्तर कोरिया में एक साथ स्ट्राइक हुई है जिसमें एक दो नहीं कई बम एक साथ गिराए जाएंगे और उनके न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा जो एटॉमिक वेपन्स हैं। हालांकि पूरी तरह से ऐसा नहीं हो पाएगा और वो भी पलटवार करेगा, लेकिन वो देश बर्बाद हो जाएगा, उत्तर कोरिया ध्वस्त हो जाएगा बुरी तरह से। वो सही है कि वो दक्षिण कोरिया, जापान और अपने जो भी दुश्मन देश हैं उन पर वो आक्रमण करेगा और वो भी बदला लेने का प्रयास करेगा, लेकिन ये इतना भीषण आक्रमण होगा नॉर्थ कोरिया पर कि उसे पता भी नहीं चलेगा ये कब हो गया, और इसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो उत्तर कोरिया एक तरह से बहुत बुरी तबाही में फंसने वाला है। इधर चाइना यूक्रेन, चाइना और ताइवान, आप देख ही रहे हो क्या परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां फंसी हुई हैं, चाइना इंतजार कर रहा है, अगर उसको टाइम अभी नहीं मिला तो वो इन चीजों को अभी आगे खींचता रहेगा और एक मौका ढूंढ रहा है वो। चाइना सबसे ज्यादा शातिर खिलाड़ी है, ध्यान रखिए, क्योंकि वो शॉर्ट युद्ध लड़ना चाहेगा, लंबा युद्ध कभी चाइना नहीं लड़ना चाहेगा, मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया, लंबा युद्ध लड़ना चाइना के बस का नहीं है, वो छापेमार कार्यवाही, युद्ध शुरू किया एक सप्ताह में खत्म किया, एक सप्ताह में अपनी तरफ से शुरू अपनी तरफ से खत्म, वो उस तरह का देश है। तो वो उसका
इंतजार कर रहा है। होगा कि नहीं उसका ये जो उसका विचार है वो फलित होगा कि नहीं, ये तो युद्ध शुरू होने पर बताया जाएगा। क्योंकि आप एक तरफ से युद्ध शुरू तो कर सकते हो, समाप्त नहीं कर सकते हो। इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, इस बार वो समाप्त करने का प्रयास करेगा पर उसका प्रयास असफल होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाइना को भी बर्बाद करना चाहता है। तो इधर नॉर्थ कोरिया संकट में आएगा, इधर चाइना ताइवान की परिस्थितियां विपरीत बनी हुई हैं, इधर बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट बताया मैंने कि ये रूस और यूक्रेन की परिस्थितियां बढ़ रही हैं, निश्चित तौर पर एम्पलीफाई हो रही है, ये रुकना मुश्किल है क्योंकि ये उस स्टेज पर पहुंच गया जहां से वापस होना बहुत ही दुरूह है, मुश्किल है। और चौथी परिस्थिति ईरान के बारे में ध्यान रखिए, ईरान पर भी स्ट्राइक होगी, बड़ी स्ट्राइक होगी, और ईरान ने जो अपने ड्रोन्स तैयार किए हैं, खतरनाक किस्म के किए हैं, उस ड्रोन से वो किसी विशेष इंस्टॉलेशन पर आक्रमण करेगा और उसके ऊपर बहुत गंभीर आक्रमण किया जाएगा जिसमें एक बड़े संघर्ष की परिस्थितियां बनेगी। तो पूरी दुनिया में वही अक्षांश देशांतर जल रहे हैं जो मैंने आपको 2019 में बताए थे, एग्जैक्टली वही देशांतर और वही अक्षांश, यही क्षेत्र बताए थे। तो ये कोई भी क्षेत्र ध्यान रखिए शांत नहीं हुआ है, ये सब अपनी अपनी जगह पर एनर्जाइज्ड हैं और यहां किसी भी क्षण ये परिस्थितियां विकृत हो सकती हैं, विकराल हो सकती हैं। क्योंकि ये एक बार युद्ध छिड़ गया तो हर देश अपने जो भी प्रतिरोधी है, विरोधी है, उसके अगेंस्ट मौके का फायदा उठाना चाहेगा और इसी को विश्व युद्ध कहते हैं कि जब अपने अपने फायदे के लिए दूसरे पर लोग आक्रमण करने लगें, कोई बचाने वाला नहीं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, तो परिस्थितियां भयंकर कैसे होंगी वो आप समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिया है, इनके डेट्स, इनके मंथ्स मैं कब पीछे दे चुका हूं, कई वीडियोस में दे चुका हूं और आगे बताता रहूंगा। मुझे जब थ्रेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए, संभव नहीं होता है, कहना बहुत आसान होता है, किसी घटना के बारे में पता करना ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जब वो घटना घटित होने वाली होती है मैं कोशिश करता हूं उसके पहले आपको बता दूं, जैसे कि इस समय मैंने वार्निंग दी हुई है कि वहां से निकल जाओ बाहर। अब अगर आप वहां से बाहर निकल गए तो सुरक्षित हो गए कम से कम। अगर मान लीजिए युद्ध या ऐसी परिस्थितियां 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, तो भी क्या प्रॉब्लम है, आप बच तो गए कम से कम। आग लग जाए घर में और आपको वार्निंग मिले घर से बाहर निकल जाओ, और मान लो कि पूरे घर में आग ना लगे, एक पर्टिकुलर कोने में लगी हो, कॉर्नर पे लगी हो और वो बुझा दी जाए, तो क्या आप ये कहेंगे मुझे बेकार निकाल दिया, घर में तो कुछ हुआ ही नहीं, एक कोने पे लगी थी आग, क्या फर्क पड़ता मैं घर में बना रहता। क्या ये एक विजडम वाला, एक आपके बुद्धिमानी का ये रहेगा स्टेटमेंट? नहीं। आग लग गई है तो आग का भरोसा नहीं कितनी फैलेगी, उस घर को और कितने घरों को बर्बाद कर सकती है। इसी तरह युद्ध फैला हुआ है, इस समय एक क्रिटिकल स्टेज चल रही, क्रिटिकल जंक्चर चल रहा है, तो निकल आओ वहां से। इसीलिए मैंने आपको बार बार वार्निंग दी है, मुझे सब दिखाई दे रहा था कि बहुत डिस्टर्बेंस होने वाला है। तो यह भविष्य में मत सोचिए कि अरे वहां तक तो हुआ नहीं था, मुझे बेकार में वहां से निकाल दिया गया। नो, जीवन बचाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े वो करना चाहिए, यही सबसे प्राइम एक सिद्धांत है जिंदगी का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने सुना देखा, मैं आपको लगातार वीडियोस देता रहूंगा, थ्रेड्स मुझे दिखाई दे रही हैं, हो सकता है किसी दिन रात को भी मुझे वीडियो देना पड़े और जब आप सब सो रहे हो उस समय मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां मुझे दिखाई दे रही हैं जहां इंडिया का टाइम होगा रात का और घटनाक्रम कुछ घटित होने वाला होगा, हो सकता है मैं आपको एक घंटे पहले, दो घंटे पहले, तीन घंटे पहले ऐसा कोई वीडियो दूं जैसा कि मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है। तो कोई नहीं, जुड़े रहिए, बहुत ही सीरियसली जुड़े रहिए, कोई भी घटनाक्रम मैं कोशिश करूंगा एडवांस में आपको बताने की। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी और इशू पर देने वाला हूं, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।